ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो माहौल वैकेंसी का आ चुका। भगवती जी, दिलीप जी, मीना जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस सेशन को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, आगे की कार्रवाई हम लोग शुरू करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का। हम लोग सबसे पहले मस्त सेशन के साथ शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ जी, क्लियर है। तो पहले मोटिवेशन कोड के साथ शुरू करते हैं। ये कहता है, प्रयास सीढ़ियों की तरह होते हैं, प्रयास सीढ़ियों की तरह होते हैं किस्मत के लिए। देखो, ध्यान से सुनेगा, प्रयास सीढ़ियों की तरह होते हैं, किस्मत लिफ्ट की तरह होती है। ऊपर जाते वक्त लिफ्ट खराब हो सकती है लेकिन सीढ़ियां नहीं। इसलिए याद रखिएगा कि सीढ़ियों से जो हम लगातार निरंतर अगर हम अभ्यास करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, जिस रफ्तार से आप मेहनत कर रहे हैं उसमें एक लगनशील और लगातार आपको मेहनत बरकरार करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते और आगे के हम लोग सब सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उसी तरह हर लेक्चर आपके पास रेगुलर लग रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, योगिता जी सभी को गुड मॉर्निंग, रावा जी, अभी आशीष जी सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हर्ष, वसंती, चलिए, भारत के पहले, ध्यान से सुनिएगा, भारत के पहले, ये आपसे जो पूछा गया है, बताइए भारत के पहले पेट्रोल संचालित ड्रोन का नाम क्या है? तो उस ड्रोन का नाम है डीएच एग्रीगेटर। और ये पेट्रोल के द्वारा ये संचालित किया गया भारत का पहला क्या है, एग्रीगेटर है, जो पेट्रोल का टैंक लगा रहता और उसके थ्रू ड्रोन हमारा चलता। बोला गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर टेली मानस पहल किसने शुरू की है? तो मेंटल हेल्थ डे हम लोग मनाते हैं 10 अक्टूबर को। हर साल 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे के रूप में, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। और इसकी जो अभी टेली मानस पहल जो शुरू किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया? तो ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया है कर्नाटक में। और कर्नाटक के सीएम कौन है? तो वहाँ विश्वभूषण, तो अभी वहाँ जो कर्नाटक के बसवराज बोमी, बसवराज बोमी ये कहाँ कर्नाटक के सीएम है और वहाँ के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। तो थावर चंद गहलोत जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला गया भारत का डेटा सुरक्षा परिषद, भारत का डेटा सुरक्षा परिषद के लिए नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है विनायक गोडसे। तो हमारे यहाँ डेटा सेंटर जो होता है, तो डेटा सिक्योरिटी सेंटर, और ये कहीं ना कहीं डेटा सिक्योरिटी काउंसिल, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल होती है। और इसी काउंसिल के माध्यम से, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल होती है और इसी काउंसिल के माध्यम से लोग इनसे जुड़ते हैं। और यही काउंसिल के माध्यम से लोगों का क्या होता, हमारे यहाँ जो भी बेस्ट होता उसको हम लेके चलते हैं। क्लियर है सबको? हाँ जी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला गया राष्ट्रीय विश्व, संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थलीय सूचना कांग्रेस, और ये सूचना कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड जियो हॉस्पिटल, जियो स्पेक्टिकल बोलते हैं हम लोग, जियो स्पेटियल जो हमारे यहाँ होगा, जिसको हम लोग भूस्थानिक, भूस्थानिक जो ये सूचना कांग्रेस का जो सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया जा रहा, तो ये भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। बोला निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए जो है ये जाना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आयोजन किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो होती है वो कब होती है? 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, सौर गठबंधन जो मनाया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में, ठीक है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसके लिए बनाया गया था? तो ये क्लाइमेट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है
ग्लोबल वार्मिंग, और जलवायु परिवर्तन हम लोग बोलते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग को सही करने के लिए, या इसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज जो होता हमारा पेरिस समझौता हुआ था, वहीं पर आईएसए को लाया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, जो रैपिड फायर है, बस रैपिड फायर उनके लिए है, चलो 5 मिनट का थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लग जाए, जो लोग कल आए थे उनको अगर 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो वो चलेगा, इसीलिए हमने आपको ये रिफ्रेशमेंट दे दिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और बोला गया, बताइए कि फ्रॉम द एंड ऑफ 2024, मतलब 2024 के अंत तक में जितने भी स्मार्टफोन है, न्यू स्मार्टफोन हो या टैबलेट हो या कैमरा हो, तो स्मार्टफोन कैमरा या टैबलेट 2024 के अंत तक हैव द स्टैंडर्ड चार्जर अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ पास बाय द EU पार्लियामेंट। देखिए, यूरोपियन एक संघ है, और यूरोपियन संघ के द्वारा एक पास किया गया पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में क्या पास किया गया, एक नया कानून बनाया गया, और बनाया गया कि जहां पर कैमरा हो गया, मोबाइल फोन हो गया, टैबलेट हो गया, इन सभी के चार्जर मानक होंगे। मानक चार्जर मतलब एक ही चार्जर होगा, और एक ही चार्जर से सारी चीजें क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो ये भी एक स्टैंडर्ड मानक जो लेके आए हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि यूरोपियन संघ के द्वारा ये किया गया है, और इसका मेन पर्पस ये है कि ये लॉ एंड कानून कहाँ पास किया गया है, तो ये पास किया गया कहाँ, यूरोपियन संघ में। तो सबसे पहले यूरोपियन संघ की बात करें तो टोटल इसमें 28 कंट्री देश है, लेकिन 28 कंट्री में से क्या हुआ कि 2020 में यूके इससे बाहर हो गया, और जब यूके इससे बाहर हो गया तो इसमें अब जो है 27 कंट्रियों का समूह बन चुका है। कितने देशों का ये समूह है, तो 27 देशों का ये समूह बन चुका है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को किसने छोड़ दिया, तो 2020 में ब्रिटेन, मतलब यूके ने, ब्रिटेन ने इसको छोड़ दिया, और जब ब्रिटेन ने इसको छोड़ दिया तो यूरोपियन संघ में जो 28 देश थे वो घटकर अब कितने हो गए, 27 हो गए। अब इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना, ईयू की स्थापना कब हुई, तो 1993 में, 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना होती है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है, और बेल्जियम ब्रुसेल्स में भी इसका लेके चलता है। ईयू जो है ये पूरी तरह से बोला जाता है, पूरा एक यूरोपियन संघ के राजनीतिक या आर्थिक मंच बोला जाता है, ये एक तरह से राजनीतिक, इसको बोलते हैं राजनीतिक या आर्थिक मंच होता है, राजनीतिक या आर्थिक मंच कहा जाता है, राजनीतिक आर्थिक मंच कहा जाता है यूरोपियन यूनियन को, और यहीं से इसको जोड़ा गया, ठीक है। सेशन को सभी लोग लाइक करते जाएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं वो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करते जाएगा, ठीक है। तो इसी पर ये पूरा चलता है, तो एक एक करके क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते जाएगा, ठीक है, क्लियर है सबको। हाँ जी, क्या कैमरा प्रॉब्लम हो रहा, कैमरा सबको क्लियर दिख रहा क्या, पहले ये बताइए, कैमरा सबको क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत। तो यूरोपियन यूनियन जो राजनीतिक जो आर्थिक मंच होते हैं, यहाँ पर 27 देशों का समूह यहाँ पर बैठता है, और पूरे 27 देश इसको होस्ट करते हैं। उसी तरह है नाटो, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये नाटो जो हुआ था ये डिफेंस मिलिट्री के लिए लाया गया था, जिसको हम लोग डिफेंस बोलते हैं ना, ये डिफेंस के लिए भी लाया गया था, मिलिट्री जो हमारा होता है मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए इसे लाया गया था। और नाटो का काम क्या होता है, इसमें मेन पर्पस होता है कि इसमें जो बनाया गया था, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो इसकी इस्टेब्लिश हुई थी 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की जाती है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की जाती है। और नाटो का अगर हम मुख्यालय की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली बात है कि नाटो जो है ये कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में नाटो है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है, यहाँ पर है, 1949 में आई थी। और इसमें टोटल जो सदस्य देश हैं, 30 देशों का ये समूह होता है।
तो नाटो भी 30 देशों का समूह होता है जो मिलिट्री के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। उसके बाद ऑकुस की अगर हम बात करें तो 15 सितंबर में, ध्यान से सुनिएगा, 15 सितंबर 2021 को, 15 सितंबर 2021 को एक समूह बनाया गया था। 15 अक्टूबर कब, 15 सितंबर 2021 को एक समूह बनाया गया था जिसका नाम था ऑस्ट्रेलिया, ध्यान से सुनेगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस, ऑकुस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस, ये तीनों कंट्री के समूह मिलकर एक नए सिस्टम को डेवलप किया गया था ऑकुस के नाम से, जिसमें यहाँ पर क्या हो जाता था, इन सभी देशों के बीच में क्या होते थे, मिलिट्री अलायंस, ये भी एक तरह से मिलिट्री अलायंस के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था, मिलिट्री अलायंस के लिए, और मिलिट्री अलायंस के लिए ऑकुस लाया गया था जो 15 सितंबर 2021 को ये लाया गया था, ठीक है। उसके बाद G20 तो आपको पता ही है कि 1999 में 19 देशों का ये समूह है, और 19 देशों का समूह है प्लस एक हमारा होता है यूरोपियन यूनियन होता है। और जो इसका अगर हम बात करें तो G20 का समिट, तो अभी जो 2022 का बल्कि 23 का जो G20 का समिट होगा वो कहाँ होस्ट किया जाएगा, इंडिया में, और इंडिया के इसे कहाँ होस्ट किया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में इसकी होस्ट की जाएगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में किसको होस्ट किया जाएगा, तो G20 जो सम्मेलन होता है इसकी होस्ट कहाँ की जाएगी, तो ये किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अभी 2022 में जो इसका होस्ट किया गया है ये कहाँ किया गया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाली में, तो बाली में इसको होस्ट किया गया है। जो देश इसे होस्ट करता है वही इसका चेयरमैन और हेड होता है, ठीक है। तो G20 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना, ठीक है। चलिए, तो ब्रिक्स तो आपको पता ही है कि ब्रिक्स इसमें 4-5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राज़ील है, जिसमें रसिया है, रसिया के बाद इंडिया है, और इसी में हमारा कौन है, चाइना। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका, और ये टोटल कितने देशों का समूह है, तो टोटल 5 देशों का ये समूह है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, और ये 5 देशों के समूह में ये पूरा काम करता है, ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए, बहुत अच्छी बात है रंजना जी, अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि आपको 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स तो सदाबहार है, आप तो रोज पढ़िए, रोज आपके इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये हमारे बीच में कब आई थी, 2009 में, तो 2009 में इसकी स्थापना होती है, और ये जो स्थापना हुई थी तो पहली इसकी मीटिंग हुई थी यकेंटेनबर्ग, रसिया के यकेंटेनबर्ग में हुई थी। तो रसिया का यकेंटेनबर्ग है, और यहीं पर इसकी स्थापना होती है 2009 में, ठीक है। तो ब्रिक्स का आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, और ब्रिक्स सम्मेलन की जब हम बात करते हैं तो 2014 में हमारे यहाँ एक बैंक बनी जिसका नाम रखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर इसलिए इतना डिस्कस कर दिया कि अगर यूरोपियन यूनियन की बात होती है इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर है सबको। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आपसे ये पूछा जाता है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आपसे ये पूछा जाता है कि CRI इंडेक्स 2022 के अनुसार असमानता को कम करने के लिए भारत की रैंकिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी असमानता मतलब होता है इनइक्वालिटी। अब आपको पता है कि इनइक्वालिटी किसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी का मतलब होता है गर्ल्स और बॉयज, मतलब जो सेक्स रेशियो हमारा होता है, कि जो सेक्स रेशियो होता है हमारा, जिसमें लड़के और लड़कियों का, जो गर्ल्स और बॉयज के हमारे यहाँ जो रेशियो होता है, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। और अभी भारत का इसमें जो रैंक आया है, तो इंडिया का जो रैंक यहाँ पर आया, तो वाकई में ये देखा जाए तो अलग अलग देशों के अनुसार ये CRI का रिपोर्ट दिया गया, जो पहले इंडिया का रैंक 129 था, इस बार जो भारत का रैंक आया है इसमें 123 नंबर पर इसका रैंक है, कितने हैं, 123, तो 123वें नंबर पर इंडिया का रैंक आया है। और रैंक आने के लिए इसमें सबसे पहली चीज है, इसको बोलते हैं कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग
इसका मतलब CRI का मतलब होता है कमिटमेंट, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म होता है कमिटमेंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स CRI। और CRI कौन देता है? तो CRI ऑक्सफैम के द्वारा ये रिपोर्ट दिया जाता है। इसमें भारत का हालांकि पहले 129 नंबर था 2020 में, अब हमने 3 रैंक इसमें जंप किया है और इंडिया इसमें 123 नंबर पर है। तो मैं बता दूं कि CRI का मेन पर्पस क्या होता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है बहुत ही खतरनाक है, और अगर इनको बढ़ावा नहीं दिया गया, अगर इसे नहीं रोका गया, तो बहुत ही बुरा हो सकता है आगे आने वाले समय में। और इसमें 3 चीज़ों को माना गया, हेल्थ, एजुकेशन, इसमें 3 चीज़ें मेन है। इसमें एक पहला जो प्रायोरिटी है वो है हेल्थ, दूसरा जो प्रायोरिटी है वो है एजुकेशन, और तीसरा जो प्रायोरिटी है वो है प्रोटेक्शन। इसमें है प्रोटेक्शन, मतलब हेल्थ, एजुकेशन, और तीसरा जो हमारा है वह है सोशल प्रोटेक्शन। सोशल प्रोटेक्शन मतलब सामाजिक जो हमारा सुरक्षा होता है वो, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सभी की स्थिति इतनी खराब है हमारे देश में कि आप इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसलिए CRI जो देती है ये कौन देता? ऑक्सफैम। ऑक्सफैम के द्वारा ये रिपोर्ट दिया जाता है। तो ऑक्सफैम एक एजेंसी है जिसके द्वारा ये दिया जाता है। और कितने नंबर का एडिशन है? तो ये 4th एडिशन अभी ये दिया गया, 4th नंबर का ये सीरीज लाया गया है। और जिसमें सबसे टॉप लेवल की अगर मैं कंट्री की बात करूं तो सबसे टॉप लेवल का है जर्मनी, पहले नंबर पर कौन सा देश है, सॉरी पहले नंबर पर है नॉर्वे, तो नॉर्वे यहाँ पर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है जर्मनी, जर्मनी दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर देखा जाए तो तीसरे पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 टॉप 3 देश हैं, और टोटल इसमें देशों की जो संख्या है अगर कोई पूछ लिया जाए तो 161 देशों की संख्या, 161 देश की संख्या है जिसमें ये रिपोर्ट जारी किया गया। और भारत का रैंक ग्लोबली कितना है? तो ये 123 नंबर पर इंडिया का रैंक ग्लोबली है। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को जरूर लेके चलिएगा। हाँ जी, सभी लोग एक बार जो है इसको सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक करिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए, देखते देखते आपको लाइक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमने बोला नॉर्वे है, जर्मनी है और ऑस्ट्रेलिया है, और ये तीनों देश है जहाँ पर ये पूरी तरह से 161 देशों की ये समूह होती है जहाँ पर ये काम करती है। और दूसरा हमारा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसे बोला जाता है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक की जब हम बात करते हैं तो इसका नाम ही मैंने जब योगा क्लास रखा है तो मानव विकास सूचकांक भी सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और यहाँ पर 3 चीज़ें रखा जाता है, एक हमारा होता है एजुकेशन, ध्यान से सुनिएगा, एक हमारा होता है शिक्षा, दूसरा होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम लोग जीवन चक्र भी बोलते हैं। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड या इनकम। तो 3 चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बनता है? मानव विकास सूचकांक बनता है। और इसका रिपोर्ट कौन देती है? तो UNDP देती है। तो इसमें भी भारत का बहुत खतरनाक रैंक नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक में भी पहले नंबर पर कौन आता है? नॉर्वे। तो नॉर्वे जो है पहले नंबर पर ये आता है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में शिक्षा हो गया, उसके बाद जीवन चक्र हो गया, और ये आय हो गया। इन तीनों को जब देखा जाता है तो यहाँ भी इंडिया का बहुत अच्छा हालत नहीं है। तो ये इसके रिपोर्ट के अनुसार ये पूरा डेटा आपको दिया जाता है। और अगर देखा जाए तो 1990 में पहली बार देखा जाए, 1990s में इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी। और आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डेवलप किया गया था तो इसमें दो व्यक्ति का ज़्यादा हादसा, एक मोहम्मद बोलते हैं ना, एक कहाँ पर था कि एक पाकिस्तान के बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे और एक इंडियन इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम अमर्त सेन का आपने नाम सुना होगा। तो अमर्त सेन जिनको 1998 में नोबेल प्राइज़ भी मिला गया था अर्थशास्त्र का,
और उन्होंने ही बोला था अगर किसी देश को तरक्की करना है तो वहां का मानव का विकास होना जरूरी है, और मानव विकास सूचकांक जिसका अच्छा होगा वो देश कभी पीछे रह नहीं सकता। और यही कंडीशन में हमारे यहाँ इकोनॉमी में मानव विकास सूचकांक का ये रिपोर्ट लेके आया, ठीक है। और यही रिपोर्ट जब आया तो भारत का भी इसमें 131 रैंक है मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे जो हमारे पास है हमारा है स्पोर्ट्स। देखो हर चीजों का मैंने एक सेक्शन बना दिया, सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाएगा। हाँ जी, देखो आपसे ये पूछा गया कि बताइए बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में अगर हम बात करें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसके अभी बनाए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं ये हमारे बीच में पहले आई कब थी, ये आई थी सबसे पहले 1928 में, 1928 में इसकी क्या होती है स्थापना होती है बीसीसीआई का, और इसका हेड क्वार्टर कहां पर है मुंबई में, और अभी जो इसके हेड थे वो थे सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो हैं ये इसके कौन थे, इसके हेड थे। तो सौरभ गांगुली किसके हेड थे, बीसीसीआई के, और बीसीसीआई के अध्यक्ष थे सौरभ गांगुली। मुंबई इसका मुख्यालय है, स्थापना कब हुई है 1928 को, और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन अभी इन्होंने अपनी प्रेसिडेंट पद को छोड़ दिया, तो नए जो अभी बने हैं उनका नाम है रोजर बिन्नी। तो रोजर बिन्नी भी जाने माने चेहरे हैं, तो रोजर बिन्नी को अभी बनाया गया किसके जगह, तो सौरभ गांगुली के जगह रोजर बिन्नी अभी बने हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष। तो हमारे यहाँ दुनिया की सबसे अगर रिचेस्ट अगर क्रिकेट का अगर कोई बोर्ड है तो सबसे रिचेस्ट बोर्ड अगर वर्ल्ड में बोला जाता है तो वो हमारा है बीसीसीआई। और दुनिया का सबसे अगर आपको अगर कोई रिपोर्ट अगर पूछ ले कि दुनिया का सबसे मतलब कि अगर आईसीसी की अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ये भी कब आई थी 1909 में, और 1909 में इसकी स्थापना होती है, और आईसीसी की स्थापना 1909 में होती है जिसका मुख्यालय अभी कहाँ पर है दुबई में। तो आप बिल्कुल आप लोग इसे लिख लीजिएगा, नोट भी करते जाना, क्योंकि पेन पेपर उठा लो, क्योंकि रोजर बिन्नी जो अभी बने हैं किसको हटा कर बने, सौरभ गांगुली को हटा कर बने। तो यहाँ पर जो है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये सारी न्यूज आपके पास डेली कोई ना कोई नया और इनोवेशन हम जरूर लेके आते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ें। तो अगला मैंने बोला सेशन को सभी लोग लाइक करते जाएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को सभी लोग लाइक करें। तो बीसीसीआई के यही है रोजर बिन्नी, और ये इनकी अभी बने हैं। तो दुनिया में सबसे पहले आईपीएल का इंडियन प्रीमियर लीग जो 2020 का जो कॉन्सेप्ट जो दिया गया था T20 का, तो ये आईपीएल का कॉन्सेप्ट जो लाया गया 2008 में, ये पहली बार पूरे विश्व में किसके द्वारा लाया गया था, बीसीसीआई के द्वारा दिया गया था। और बीसीसीआई दुनिया का ऐसा बोर्ड है जो चाहे तो 5 साल तक वर्ल्ड कप ये अपने ही करा सकती है, अकेले ही अपना वर्ल्ड कप करा सकती है 5 साल तक, इतना ये स्ट्रॉन्ग बोर्ड मानी जाती है, ठीक है। और जैसा इसके चेयरमैन है, तो हम बात करते हैं अगला ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ये हमारा है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन भी हमारे देश का बहुत ही जबरदस्त है। हमने क्या बोला कि हमने माइंड योगा क्लास नाम दिया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। और ये ऑल इंडिया जब हम चेस फेडरेशन की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में, और बोला जाता 44th नंबर का चेस ओलंपियाड। अगर देखा जाए तो 44वें नंबर का चेस ओलंपियाड जो मना हुआ है, ओलंपियाड ये कहां पर हुआ, चेन्नई में, और चेन्नई में इसका ओलंपियाड हुआ है। और हमारे यहां सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर चेस का किसे बोला जाता है, तो विश्वनाथन आनंद को बोलते हैं हम लोग, विश्वनाथन आनंद, जिनको चेस का मतलब पूरे वर्ल्ड का जो है ग्रैंड मास्टर के नाम से जाना जाता है। हालांकि मैग्नस कार्लसेन नॉर्वे का है, वो भी अभी सबसे ज़्यादा चर्चे में। उसके बाद BSFI, अब BSFI ये भी आपका सबसे ज़्यादा चर्चे में, जिसको बोलते हैं बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, और ये भी सबसे ज़्यादा फेमस स्पोर्ट्स है। स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ये भी भारत के लिए सबसे ज़्यादा जानेदार, पंकज अडवाणी का आपने नाम सुना होगा।
और हमारे देश में इसकी स्थापना होती है 1926 में, और पंकज आडवाणी जो है सबसे ज़्यादा फेमस हैं, पंकज आडवाणी, और ये बिलियर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। हॉकी इंडिया जो है ये भी हमारे लिए एक सुप्रियर माना जाता है, हॉकी इंडिया, और हॉकी इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है। हॉकी इंडिया का जो आया है 2009 में इसकी स्थापना हुई है हॉकी इंडिया की, और आज हॉकी में अगर देखा जाए तो इंडिया पूरी तरह से होस्ट कर रहा है, और इसका जो स्पॉन्सर है वो उड़ीसा है, तो उड़ीसा जो है ये इसका स्पॉन्सर अभी मिल गई है वुमेन हॉकी का। उसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल, उसके बाद AIF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। देखो हमें सबके बारे में बताने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और एक बार अगर आप पढ़ लोगे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। कब इसकी स्थापना की गई? 1937 में इसकी स्थापना होती है, और उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो दिल्ली में इसका जो है हेड क्वार्टर, ठीक है। और ये हमारे पास है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या बैडमिंटन, इसको बोलते हैं बैडमिंटन, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसके द्वारा हमारे यहाँ बैडमिंटन, आपने अंजू बेबी जॉर्ज नाम सुना होगा, उसका सबसे ज़्यादा फेमस है। चलिए आगे की ओर बढ़ें, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया। अगला बोला गया टीम ने वर्ल्ड कप, टीम वर्ल्ड जो है डिफीट अभी किया है टीम यूरोप को, और लेबर कप इन्होंने जीता है 2022 का। पहले तो ये पता होना चाहिए कि लेबर कप जुड़ा किससे, किस खेल से एसोसिएट है, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो लेबर कप जो एसोसिएट है वो हमारा टेनिस से है। अब टेनिस में हम लॉन टेनिस की बात करते हैं, टेनिस टेबल टेनिस नहीं, हम लॉन टेनिस की बात करते हैं, रोजर फेडरर की बात करते हैं, हम राफेल नडाल की बात करते हैं। रोजर फेडरर का नाम सुना होगा, राफेल नडाल का नाम सुना होगा, और रोजर फेडरर ने अपना संन्यास भी ले लिया, रोजर फेडरर, तो रोजर फेडरर ने अभी अपना हाल ही में संन्यास ले लिया। नोवाक जोकोविच का नाम सुना होगा, सेरेना विलियम्स का नाम सुना होगा, मारिया शारापोवा का नाम सुना होगा, सानिया मिर्जा का नाम सुना होगा, महेश भूपति का नाम सुना होगा। ये सारे जो नाम है वो किससे जुड़े हुए हैं? ये लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं। तो लॉन टेनिस जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन माना जाता है, और इन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो टेनिस की जब हम बात करते हैं लेबर कप किससे जुड़ा हुआ है, तो ये लॉन टेनिस से हमारा लेबर कप जुड़ा होता है। इसके बारे में अगर मैं डिटेल में बात करूं तो सबसे पहले होता है ITF, तो लेबर कप अभी जो इसका आयोजन किया गया है तो ये कहाँ किया गया था? लंदन में। तो लंदन में इसका आयोजन किया गया था, और ये लॉन टेनिस का सबसे बड़ा जाना माना जाता है। तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, और ये हमारे पास होता है इंटरनेशनल, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन होता है। टेनिस फेडरेशन की हम बात करते हैं, और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास तीन सबसे बड़ा ओपन होता है। एक तो आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन का नाम सुना होगा, एक होता ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक आपने नाम सुना होगा फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन जो सबसे ज़्यादा फेमस है, और एक आपने नाम सुना होगा US ओपन। तो वर्ल्ड के तीन जो हमारे पास जो ओपन होते हैं, एक होता विंबलडन, एक सबसे ज़्यादा जो फेमस होता है वो हमारा होता है विंबलडन, और विंबलडन भी ये हमारा सबसे ज़्यादा फेमस। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें तो 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, और उसके बाद अगर देखा जाए तो फ्रेंच ओपन और US ओपन की बात करें तो 1901 में हमारा ये फ्रेंच ओपन हुआ था, और सॉरी 1891 में हमारा US ओपन, और 1877 में अगर देखा जाए तो हमारे पास US ओपन जो है 1877 में हुआ, और 1881 में विंबलडन हुआ।
ये ओपन जो होता है दुनिया का सबसे चारों ओपन फेमस ओपन है और लॉन टेनिस के दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन और आपसे एक चीज़ और पूछा जाता है कि इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे कप है जो होते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा डेविस कप आपका नाम सुना होगा, तो डेविस कप ये पूछा भी जाता है कि डेविस कप किससे जुड़ा हुआ, और डेविस कप की शुरुआत 1900 से की गई थी और ये भी हमारा लॉन टेनिस का है और यूरोपियन यूनियन में ये सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले खेलों में से एक माना जाता है। तो डेविस कप भी क्या है, 1900 ये डेविस कप आया था, जो किसके लिए, तो ये भी हमारे पास किसके लिए है, तो लॉन टेनिस। हॉफमैन कप, हॉफमैन कप भी 1989 में आई थी। हॉफमैन कप ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है। टेनिस कप इन इंडिया, तो टेनिस कप भारत का अगर पूछा जाए तो एक आपने चेन्नई ओपन का नाम सुना होगा, भारत में भी होता है चेन्नई ओपन होता है, चेन्नई ओपन का नाम सुना होगा, एक होता है दिल्ली ओपन होता है, चेन्नई ओपन और दिल्ली ओपन ये दो तीन यहाँ पर भी हमारे पास होता है। उसके बाद सनफिस्ट ओपन, एक होता है सनफिस्ट ओपन, तो ये पूरी तरह से तीन गेम कहाँ होते हैं, ये लॉन टेनिस गेम होता है इंडिया में। और इंडिया के सबसे फेमस प्लेयर हैं महेश भूपति का आपने नाम सुना होगा, महेश भूपति, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, हालांकि सानिया मिर्जा हैं पाकिस्तान में लेकिन वो खेलती भारत की तरफ से है, तो सानिया मिर्जा जो खेलती है वो भारत की तरफ से खेलती है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला गया यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया टोयोटा का फर्स्ट इट्स ए काइंड ऑफ पायलट प्रोजेक्ट जिसका नाम है फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल 100% किससे बना हुआ है, एथेनॉल से बना हुआ है, 100% एथेनॉल से बना हुआ है। और ये पहली प्रोजेक्ट किसके द्वारा लाया गया, नितिन गडकरी जी का आपने नाम सुना है, तो नितिन गडकरी कौन है हमारे यहाँ के, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो सबसे पहले जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग पहले सेशन को लाइक करिए, लाइक करने में कहीं कंजूसी नहीं होना चाहिए, लाइक करने में पता नहीं क्या जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये फ्लेक्स जो लाया गया है, फ्लेक्स पहली बार, और ये टोयोटा कंपनी के द्वारा पूरा एथेनॉल का बनाया गया, और भारत का टारगेट है कि 2024 तक लगभग 40% से भी ज़्यादा हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे और चार्जिंग पॉइंट भी लगाया जाएगा जगह जगह। तो चार्जिंग पॉइंट लगाने का भी चल रहा है और उनके ऊपर जितने भी खर्च आ रहे उन सारी चीज़ों को देखने के लिए ये काम कर रहे हैं। चलिए अगला बोला गया, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट की ऊंची प्रतिमा, तो 14 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है इसका अनावरण कहाँ किया गया, तो ये 34 फीट की ऊंची जो है इनका मूर्ति, और ये कहाँ पर, सारण बिहार, जो आपने नाम सुना होगा सिताब दियारा, और सिताब दियारा जो है सारण में है और बिहार के ही रहने वाले थे जन लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और जेपी आंदोलन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, पहली बार जेपी आंदोलन के नाम से ये सबसे ज़्यादा चर्चे में रहे थे, और ये जेपी आंदोलन जो हुआ था बहुत ही भयंकर हुआ था, कब, जब इंदिरा गांधी ने, मतलब 1975 का आपने इमरजेंसी का नाम सुना होगा, उससे पहले ही जेपी आंदोलन एक भयानक रूप ले लिया था। और ये जेपी आंदोलन जब आया था तो ये जनता जो है जाग चुकी थी, और उसका बिगुल कहाँ से फूका गया था, बिहार से। तो बिहार जो है एक तरह से ओरिजिन माना जाता है किसका, तो आंदोलन का, सत्याग्रह का। तो पहली बार जो महात्मा गांधी जी ने अपना जो चलाया था अपना आंदोलन या सत्याग्रह, ये कहाँ से चला था, पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण भी कहाँ पर है, बिहार में। जब आप इतिहास में पढ़ते होंगे तो महात्मा गांधी जो है बिहार से ही उसकी शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको जो जेपी जो बोलते हैं जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण जो हैं लोकनायक, इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि लोकनायक इसलिए बोला जाता है क्योंकि 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म बिहार के सिताब दियारा जिले में होता है, सिताब दियारा सारण जिले में इनका जन्म होता है, और इनको जननायक बोला जाता है, इनको लोकनायक बोला जाता है। और लोकनायक इसीलिए क्योंकि जो जेपी आंदोलन हुआ था वो एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था आंदोलन का। और ऐसे भी जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार जो है दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा,
वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाईफाई जोन, सबसे बड़ा वाईफाई जोन सेंटर या वाईफाई जोन कहाँ लगाया गया है? तो ये वाईफाई जोन, विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई जोन पटना में लगाया गया, और पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाईफाई जोन माना जाता है, जिसकी रेंज लगभग कितने किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। और भारत का पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, आपने डॉल्फिन का नाम सुना होगा, तो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र जो बनाया गया, ये कहाँ बनाया गया है? डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भागलपुर में बनाया गया। और भागलपुर का आपने नाम सुना ही है, तो भागलपुर में बनाया गया है, गंगा नदी में, गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है ये आपका डॉल्फिन संरक्षण केंद्र बनाया गया, ठीक है। कहाँ पर? तो गंगा नदी में। आर्यभट्ट की भूमि भी बोला जाता है, तो आर्यभट्ट आपने नाम सुना ही होगा, आर्यभट्ट की भूमि भी किसको बोलते हैं? बिहार को, क्योंकि आर्यभट्ट का भी जन्म कहाँ आता है? यहीं। चाणक्य की नीति आपने नाम सुना होगा, तो चाणक्य जो है ये भी कहाँ के थे? तो ये चाणक्य भी कहाँ के थे? बिहार के ही थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिहार को हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं, किसका? नॉलेज का। तो नॉलेज का एपी सेंटर किसको बोला जाता है? नॉलेज, एपी सेंटर ऑफ नॉलेज, नॉलेज का एपी सेंटर बोला जाता है बिहार को, जिसकी राजधानी कहाँ है? पटना, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा फेमस है, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी क्या है? ये आपका है नालंदा। महावीर की भूमि, महावीर आपने, लॉर्ड महावीर, महावीर धर्म का आपने नाम सुना होगा, महावीर का भी जन्मभूमि कहाँ पर है? तो बिहार ही है। तो ये सबसे ज़्यादा, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी कहाँ के थे? बिहार के थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से रीड करते जाइएगा, सेशन को लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है सबको? और अभी वहाँ के सीएम कौन है भाई साहब? तो यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। और वहाँ अगर देखा जाए, तो जो मैंने फागू चौहान का आपने नाम सुना, तो फागू चौहान कौन है? यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। फागू चौहान कौन है? यहाँ के गवर्नर है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखेगा, और एक एक चीज आप लोग इसको नोट भी करते जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े, और यहाँ बिहार में जीआई टैग, जीआई टैग किसको मिला है? तो लीची, बिहार की शाही लीची है, जो मुजफ्फरपुर की शाही लीची है, जिसको जीआई टैग दिया गया। आगे की ओर बढ़ते हैं, बोला गया आरबीएल बैंक ने भारत के मनोरंजन चाहने वाले दर्शकों के लिए नया क्रेडिट कार्ड प्ले लॉन्च किया गया। तो प्ले लॉन्च जो क्रेडिट कार्ड किया गया, तो किसके द्वारा भागीदारी किया गया? तो ये बुक माई शो का आपने नाम सुना होगा, बुक माई शो। तो बुक माई शो के साथ जो है इसने अपना ये लाया है, बुक माई शो। तो बुक माई शो के जरिए जो है ये लाया है अपना, आरबीएल ने अपनी मनोरंजन के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आरबीएल की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसको बोलते हैं रत्नाकर बैंक लिमिटेड। आरबीएल का फुल फॉर्म होता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, आरबीएल। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में हेड क्वार्टर है। ये आई कब थी? 1943 में। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक है जो काम करती है, ठीक है। और अगर हम आरबीएल की बात करते हैं, तो बैंकों का नेशनलाइजेशन हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक की जो शुरुआत की गई थी, तो पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे देश में कब आई थी? तो इसकी अगर मैं शुरुआत करूं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो भारत में लाई गई थी, ये कब लाई गई थी? तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो दो तरह से हमारे यहाँ हुई थी, एक 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, और एक किया गया था आपके पास जो सबसे ज़्यादा फेमस है, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों को किया गया था। तो 10 साल के दरमियान में मतलब टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन अगर वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने बैंक अभी यहाँ पर हैं, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल जो बैंकों की संख्या हमारे देश में है, पब्लिक सेक्टर बैंक मात्र 12 बैंक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर तो हम चमत्कार कर ही लिए हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके अभी 25वें नंबर के गवर्नर कौन बने हैं? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास जो हैं इसके
25वें नंबर के कौन बने हैं? गवर्नर बने, ठीक है। तो याद रखिएगा, हेडक्वार्टर मुंबई, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका अगर पूछ लिया जाए नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपसे ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, इसको भी आप बिल्कुल याद रखें। इसलिए मैंने नाम ही रखा है माइंड योगा क्लासेस। तो माइंड योगा क्लास क्यों नाम दिया? क्योंकि करंट अफेयर्स में मैंने पूरी तरह से बदलाव ला दिया है। तो जो चीज आप पढ़ते जा रहे हैं उसके ऊपर पूरा आपको रिसर्च मिलेगा। चलिए अगला बोला गया, क्लाउड गेमिंग के लिए बनाया गया दुनिया का पहला क्रोम बुक किसने पेश किया? अब देखो, जहां पर ये क्रोम शब्द लग जाए, जिसका नाम इन्होंने क्रोम बुक दिया है, तो क्रोम शब्द किसने दिया है? तो गूगल का ये ब्राउजर है। तो सबसे पहली चीजें ये किसकी है? तो गूगल की ये ब्राउजर है, और गूगल का ब्राउजर है जिसने अपना नाम दिया है क्रोम बुक। तो गूगल का ये ब्राउजर है, तो गूगल कंपनी ने ही इसको दिया है, तो क्रोम बुक के नाम से गूगल ब्राउजर, और इसी के जरिए इसको क्या किया गया है, लाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गूगल क्रोम ब्राउजर जो है इसी के जरिए जोड़ा गया है, जो कंपनी एसर कंपनी हो गया, आसूस हो गया और लेनोवो हो गया, इन सारे कंपनियों के साथ इन्होंने क्या किया है, भागीदारी किया है। तो ये सारे कंपनियां एक साथ मिलकर ये काम करेगी, ठीक है, क्लियर है सबको। तो क्लाउड गेमिंग के लिए बनाया गया दुनिया का पहला ये क्रोम बुक कंपनी है, और ये किसके द्वारा लाया गया है? तो ये लाया गया है भाई साहब गूगल के द्वारा। अब जब हम गूगल कंपनी की बात करते हैं, तो गूगल कब आई थी? 1998 में गूगल आई थी, और गूगल जो आई थी 1998 में गूगल आई थी, इसकी स्थापना किया गया था, और अभी इसके सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो है इसके कौन है? गूगल के सीईओ है। तो एसआर की जब हम बात करते हैं, तो एसआर कंपनी कहाँ की है? एसआर कंपनी जो एसआर जो है अपनी लैपटॉप बनाती है, ये ताइवान की कंपनी है। ताइवान भी टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा फेमस है। एसआर ये ताइवान की कंपनी है जो 1976 में अपनी लैपटॉप के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती थी। आसूस भी कहाँ की कंपनी है? तो ये भी ताइवान की है, और ताइवान की कंपनी है, और ये भी अपना मदरबोर्ड के लिए फेमस है या प्रोसेसर के लिए सबसे ज्यादा फेमस होती है आसूस, ठीक है। आसूस का मदरबोर्ड भी सबसे ज्यादा जाना जाता है, और ये कंपनी 1989 में आई थी। लेनोवो चाइनीज कंपनी है, लेनोवो चाइना की कंपनी है। और जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक कॉन्सेप्ट है जो वर्चुअल डेटा को रखा जाता है, मतलब जो वर्चुअल डेटा का कम्युनिकेशन किया जाता है, तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, वर्चुअल डेटा का कम्युनिकेशन। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पर, स्टेट की तरफ। देखो आपसे ये पूछा गया कि बताइए किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया हेली इंडिया समिट इन श्रीनगर 2022। हेली इंडिया, जब हम हेली इंडिया की बात करते हैं, तो हेली इंडिया जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? हेलीपैड या एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। जब जो चीजें एयरपोर्ट से जुड़ा होता है, तो हमारे यहाँ किसके अंडर में आता है? तो सिविल एविएशन मंत्रालय के अंडर में आता है। सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन, और हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कौन है? हमारे यहाँ के ये नागरिक उड्डयन मंत्री है। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाएगा जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर इसकी शुरुआत हुई है। तो हमारे यहाँ 2019 में जम्मू कश्मीर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। ये हमारा क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी राज्य के रूप में घोषित किया गया, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। और यही जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, एक हो गया लद्दाख और दूसरा हमारा हो गया जम्मू कश्मीर। लद्दाख के अभी कौन है गवर्नर? तो आर के माथुर जो हैं इसके गवर्नर हैं। और अगर जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के कौन है? मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जी कौन है? ये यहाँ के गवर्नर है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर बढ़े। अगला बोला गया, किस राज्य ने भारत के पहले कदावुर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण के घोषणा किया है?
तो ये जो है कदावुर सिलेंडर लॉरिस की जो घोषणा किया अभ्यारण का, ये किस राज्य ने किया है? तो ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, जिसने नेशनल अभ्यारण, राष्ट्रीय, जिसको हम लोग बोलते हैं अभ्यारण। तो जब हम राष्ट्रीय अभ्यारण की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय अभ्यारण जो है किसके द्वारा घोषणा किया गया? तमिलनाडु के द्वारा। और जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो अभ्यारण में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा, अगर नेशनल अभ्यारण की बात करें, नेशनल सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो हमारे देश में जो राष्ट्रीय सेंचुरी है वो कितने हैं? 565 नेशनल अभ्यारण, राष्ट्रीय अभ्यारण है। भारत में राष्ट्रीय अभ्यारण बहुत हैं, हमारे देश में अभ्यारण यहाँ पे बहुत है। और सबसे पहले अगर देखा जाए सबसे बड़ा अभ्यारण कौन सा है? कच्छ का रण। तो कच्छ का रण जो गुजरात में, वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। और अगर पहला बोला जाए अभ्यारण, तो पहला अभ्यारण है मानस। तो मानस अभ्यारण जो है, मानस नेशनल जो सेंचुरी है, ये कहाँ पर है? असम में। तो अभी उसको मानस नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। और जब हम नेशनल पार्क की बात करें तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, विश्व का लार्जेस्ट अगर देखा जाए, विश्व का प्रथम की अगर हम बात करें, विश्व का प्रथम जो है नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो विश्व का प्रथम तो येलो जो नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? येलोस्टोन। और येलोस्टोन कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट, ठीक है। और सबसे बड़ा अगर बोला जाए, सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमारे देश में कौन सा है? तो सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क है, जो ये सबसे बड़ा है, हेमिस। और सबसे छोटा है साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो अंडमान निकोबार में, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आई थी? 1973 में हमारे देश में टाइगर जो प्रोजेक्ट लाया गया था वो 1973 में लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के कुछ हम न्यूज के बारे में पढ़ लें। मध्य प्रदेश के कृषि अवसंरचना निधि जो लाई गई, इसमें कौन सा स्थान पाया है? तो इसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान पाया गया। किसके द्वारा? तो फर्स्ट रैंक मिला है किसको? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को, फर्स्ट रैंक किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को। उसके बाद ये एक्चुअल में नेशनल हॉर्टिकल्चर के द्वारा ये दिया गया है, जहाँ पर बागवानी में सबसे ज़्यादा देखा जाता। बोला हाल ही बताइए, महात्मा गांधी सम्मान 2022 का जो दिया गया है माधव स्पेयर म्यूजियम में, तो ये जो है किसको दिया गया है? तो ये भी आपके लिए सबसे फेमस न्यूज है, किसको दिया गया? तो सेकंड में ये सबसे पहले नर्मदा हसार, तो नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को ये प्रदान किया गया महात्मा गांधी सम्मान। और ये दिया जाएगा किनको? इनको, महात्मा गांधी सम्मान। हाल ही में बताइए, मध्य प्रदेश के 8 अक्टूबर से नर्मदा महोत्सव का आयोजन 2022 को जो किया गया, ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जबलपुर में किया गया है नर्मदा का आयोजन। कहाँ किया गया? जबलपुर में, ठीक है। और जबलपुर में ये नर्मदा का आयोजन किया गया, जो 26 नर्मदा महोत्सव के रूप में। मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बालाघाट में एथेनॉल प्लांट को स्थापित किया गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया, बताइए कि रिसेंटली अभी व्हीकल स्क्रैप सेंटर कहाँ ओपन किया? इंदौर और भोपाल में। तो इंदौर भोपाल में व्हीकल स्क्रैप सेंटर को ओपन किया गया, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से सेशन को सभी लोग लाइक करते जाएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं रैपिड फायर में। तो क्लाउड गेमिंग के लिए किसके साथ इन्होंने साइन किया है? गूगल के साथ इन्होंने साइन किया। उसके अलावा निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया का जो किया गया, तो कौन है हमारे यहाँ के अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा उद्घाटन किया गया। किस राज्य ने भारत के पहले कदावुर सिलेंडर लॉरिस का अभ्यारण का उद्घाटन किया? यह तमिलनाडु। बोला गया कृषि अवसंरचना निधि में उपयोग के लिए देश का प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया। माधवराव एक्सप्रेस संदवे का जाने वाला महात्मा गांधी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये पूछा दिया गया नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को दिया गया।
ठीक है, तो इसीलिए जरा आप लोग सेशन को बिल्कुल पढ़ते रहिए और जिस रफ्तार में हम लोग मेहनत कर रहे हैं बस कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि बगैर करंट अफेयर्स का आपका कोई भी पेपर नहीं निकलना है, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए। मेहनत आपके पास केवल करंट अफेयर्स ही आपको दे सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेल होने का रेशियो करंट अफेयर्स में रहता है। तो करंट अफेयर्स का रेगुलर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, डेली आपका रिविजन होना चाहिए, तब तैयारी कहलाएगा, बाकी किसी काम का तैयारी नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको अच्छे से मेहनत करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। हाँ जी, आज का सेशन कैसा रहा बिल्कुल बताइएगा, जाते जाते सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है।